हजारीबाग पुलिस एकेडमी में सोमवार को पुलिस उप निरीक्षकों की पासिंग आउट परेड आयोजित हुई। पासिंग आउट परेड में बतौर मुख्य अतिथि राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास मौजूद रहे। इस पासिंग आउट परेड में 1334 प्रशिक्षु पुलिस उप निरीक्षकों ने भाग लिया। वहीं मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रशिक्षु पुलिस निरीक्षकों के भव्य परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। साथ ही सीएम ने कहा कि झारखंड बनने के साथ ही उग्रवाद इस राज्य को विरासत में प्राप्त हुआ था, सरकार उग्रवाद के विनाश के लिए काम कर रही है। स्किल डेवलपमेंट, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन का प्रशिक्षण दिया गया। आज साइबर क्राइम की संख्या बढ़ रही और ऐसे दिया गया, इतनी बड़ी संख्या में इन प्रशिक्षुओं का एक वर्षीय प्रशिक्षण कराया जाना झारखंड पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी और पूरे देश में कई अन्य पुलिस प्रशिक्षण संस्थान भी इनके संचालन के संबंध में जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं। ये पुलिस के लिए गौरव का विषय है। झारखंड पुलिस ने जबरदस्त सफलतापूर्वक इस चुनौती को स्वीकार करते हुए इतनी बड़ी संख्या में प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षकों का प्रशिक्षण निर्बाध एवं निर्बाध रूप से संपन्न कराया, बल्कि जंगल वारफेयर स्कूल नेताराट ने तो पूरे देश में गृह मंत्रालय के द्वारा आयोजित सर्वे में देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान होने का गौरव भी प्राप्त किया। इसके लिए मैं श्री अनिल पाल्टा जी, श्री कंडा स्वामी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बता दें कि नए पुलिस उप निरीक्षकों की साइबर क्राइम के नियंत्रण में मुख्य भूमिका रहेगी। साथ ही राज्य बनने के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों की सीधी नियुक्ति की गई है। हजारीबाग से न्यूज के लिए नीरज की रिपोर्ट।